हमारे एक्वेरियम हॉबी में ऐसा भी फिश है जो एक्चुअली एक्वेरियम हॉबी के लिए वो फिश नहीं है, एंड उसका एक्चुअल नाम कुछ और है और हॉबी में हम लोग उसको कुछ और नाम देते हैं। आज हम ऐसे ही एक फिश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एक्चुअली एक्वेरियम के लिए नहीं है एंड असल में कैटफिश है, कैटफिश, बट हम लोग उसे शार्क बुलाते हैं। क्यों? बिकॉज उसका ऊपर का डॉर्सल फिन थोड़ा शार्क जैसा है। ये एक्वेरियम के लिए क्यों नहीं है? बिकॉज ये एक्चुअली कैटफिश होने के वजह से एंड बहुत बड़ा होने के वजह से या बड़ा ग्रो होने के वजह से इसको ज्यादातर खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एक्वेरियम शार्क, इरिडेसेंट शार्क, टाइगर शार्क, व्हाइट शार्क आप जो दुकान में लेते हो, ये एक्चुअली थाईलैंड से ही है। वहां पे मीकोंग रिवर है, चाओ प्राया रिवर है, वो रिवर से या वो रिवर्स में पाए जाते हैं एंड वहां पे अभी इन शार्क्स को फार्मिंग किया जाता है ताकि वो खाने के लिए बेचा जाए। नाउ ये जो इरिडेसेंट शार्क है, ये पेंगासिस स्पीशीज का फिश है, पेंगासिस कैटफिश बोलते हैं इसको। इसमें काफी सारे वैरायटीज है एंड एक वैरायटी हमारे यहां बहुत पॉपुलर है रेस्टोरेंट्स में, हम लोग इसको बासा मछली के नाम पे जानते हैं। आपके जितने भी फिश फ्राई, फिश फिंगर, छोटे छोटे जो पतले बनाते हैं, ये सब उसी का बनता है, वही कैटफिश का बनता है। बट एक्वेरियम हॉबी में ये फिश बहुत सालों से है। एक तो छोटा मिलता है, ठीक है, सस्ता मिलता है, तो हॉबी के लिए लेके जाना लाजमी था। ओके, बिकॉज आई थिंक सबसे सस्ता मैंने वो शार्क फिश देखा है 6 रुपए 5 रुपए में मिल जाता है। वो शायद होलसेल रेट होगा, आपको एक 15-20 रुपए में मिल जाता होगा, आई डोंट नो द रेट, बट वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड लगता है कि इजी है रखना, बट एक्चुअली उतना इजी नहीं है। ठीक है, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना गोल्ड फिश हो या कोई फिश हो या कोई भी फिश हो, कोई फिश या कोई भी फिश। हाँ, सो उसके लिए क्या देखना चाहिए, क्या है पॉइंट्स, उसको अगर रखना है तो क्या करना चाहिए ताकि वो फिश अच्छा रहे, ये हम आज देखने वाले हैं। सो पहला बात शार्क के बारे में आपको ये जानना है, छोटे से मिलता है फिर भी बहुत बड़ा होता है, तो आप छोटे छोटे टैंक में मत रखो, प्लीज मत रखो। वो 1 फीट टैंक लेके जाएंगे, 3 शार्क लेके जाओगे, बिकॉज सस्ता है वो, उसको जगह नहीं मिलेगा, वो तकलीफ में रहता है हमेशा, हमेशा स्ट्रेस में रहता है। ठीक है, सी ये जो शार्क है, मैंने बोला ना मीकोंग रिवर, चाओ प्राया रिवर में ज्यादातर डीप में पाया जाता है, बिकॉज ये बड़े मछली है। ओके, एंड बच्चे भी, उनको ज्यादा स्पेस लगता है। अगर आप दुकान में खरीदते हो तो आपको एक अप्रोक्सीमेट 3 इंच का फिश मिलेगा, 3 इंच का शार्क के लिए 4 फुट टैंक लगता है, 4x2x2 मिनिमम। और मैंने कभी कभी देखा है कि वो शार्क फिश को एक बोल में रखते हैं, तकलीफ होता है। एक रीजन है कि मैंने ये वीडियो कब अब तक बनाया नहीं, बिकॉज ये फिश जब भी मैं सोचता हूं तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, बिकॉज इसका जो लिविंग कंडीशंस है बहुत बदतर है हमारे हॉबी में, बहुत ही बदतर है। आई मीन सॉरी टू से, बुरा मान सकते हो बट ये सच बात है। अभी जो छोटे वाले आप लेते हो, थोड़ा बॉडी में एक डार्क ब्लैक शाइन होता है बॉडी के ऊपर, ओके, एंड सुंदर भी दिखता है, एंड बड़े होते होते वो ग्रेइश कलर और डल कलर हो जाते हैं। इनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल है। अभी अगर आप फिश को देखेंगे, इनके बड़े बड़े आंखें होते हैं और एक ये बार्बल बोलते हैं इसको, जो यहां पे आता है मुंह के बाजू में, एंड बिकॉज मीकोंग एंड चाओ प्राया रिवर गंदा नहीं बट धुंधला पानी है, ओके, क्लियर वाटर नहीं है,
तो वो अंधेरे में भी मूव कर सकते हैं इसके वजह से, बिकॉज ऑफ बार्बल्स एंड बिग आईज होते हैं इनके। अभी हॉबी में एक अल्बिनो भी मिलता है, व्हाइटिश कलर, ठीक है, एंड उसके रेड आईज होते हैं। मेल और फीमेल को कैसे डिफ्रेंशिएट करें? मेल थोड़ा लंबा होता है, स्ट्रीम लाइन होता है, ओके। फीमेल थोड़ी मोटी होती है, यू नो, थोड़ा ऑफ शेप, स्ट्रीम लाइन नहीं होता है एंड बल्की होता है। एंड बच्चे में पता नहीं चलेगा, उनको फुल ग्रोन होना है, एंड फुल ग्रोन में वो 3 to 4 feet हो सकते हैं मिनिमम मिनिमम। कुछ कुछ शार्क्स जैसे पब्लिक एक्वेरियम्स एंड दूसरे जगहों में मैंने थोड़ा और बड़ा भी देखा है, बट 3 to 4 feet इज नॉर्मल। नाउ अगर इनके लिए पूछा जाए कि सही साइज का टैंक क्या है, तो मिनिमम एक फिश के लिए 300 गैलन या 1100 लीटर पानी चाहिए, और अगर वो कन्वर्ट करें तो मिनिमम 5 feet by 3 feet by 3 feet ऐसा कुछ टैंक लगेगा। मिनिमम 1000 लीटर्स अगर पकड़ना है तो उतना तो लगेगा ही। नाउ अगर आपके पास सही साइज का टैंक है तो ये ध्यान रखें कि ये जो कैटफिश है ये स्कूलिंग फिश है, एंड मिनिमम 4 to 5 रखना चाहिए। अगेन बड़े टैंक में, छोटे टैंक में मत रखो, प्लीज मत रखो। नाउ इसका इनका जो टैंक सेटअप है, ज्यादातर हार्डस्केप यूज करो, थोड़ा सैंड यूज करो, थोड़ा स्टोन्स यूज करो, हो सकता है तो छोटा मोटा पीस वुड यूज करो, ज्यादातर खाली रखो, उनको ज्यादा पसंद है बिकॉज उनका नेचुरल एनवायरमेंट में प्लांट्स वगैरह होता नहीं है, एंड अगर प्लांट्स है भी तो ज्यादा चांस है कि वो खा लेंगे, क्योंकि वो वेजिटेरियन भी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं। कैटफिश होने के वजह से ये ओमनिवोरस है, सब कुछ खाएंगे, ठीक है, आपके ब्लडवर्म से लेके, श्रिम्प से लेके, आपके जो भी पैलेट से लेके, एंड ककड़ी, यू नो, छोटा मोटा एक एप्पल का टुकड़ा, सब खाएंगे, ठीक है। एंड इसके लिए कोई फिक्स्ड फूड नहीं है, कोई भी ऐसा ब्रांड मैंने देखा नहीं है कि शार्क के लिए खाना बनाता है, बिकॉज ये एक्वेरियम फिश है ही नहीं, तो एक्वेरियम फिश कंपनी वाले कोई बनाएंगे नहीं, ठीक है। बट आप इनके लिए कोई भी फिश का खाना दे सकते हो, ऑस्कर का खाना दे दो या सिकलिड का खाना दे दो, ज्यादातर लो प्रोटीन हाई फाइबर वाला खाना देना चाहिए, ओके, जो भी ग्रीन वाला पैलेट है वो बेटर है, या कोई फिश का खाना दे सकते हो, विच इज वेरी गुड अगेन। एंड खाना मुंह के हिसाब से दो, खाना वो साइज का होना चाहिए जो मुंह में फिट हो। नाउ एक्वेरियम में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये जो कैट फिश है, ओके, प्लेको भी कैटफिश है, सब कैटफिश स्पीसीज है, और ये स्केललेस फिश है, स्केल नहीं है, स्मूथ है, स्मूथ स्केल्स नहीं है। कंपेयर करो, अरवाना का स्केल्स होता है, इसका स्मूथ होता है बॉडी, कोई फिश का स्केल्स होता है, गोल्ड फिश का स्केल्स होता है, इसका बॉडी स्मूथ होता है, तो मतलब सॉल्ट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, एंड अगर सॉल्ट ट्रीटमेंट करोगे तो इनके स्किन में प्रॉब्लम होने वाला है, ओके। नाउ ऑल्सो इज दैट इनको एक्वेरियम में व्हाइट स्पॉट्स आने का बहुत ज्यादा चांस होता है, बहुत ज्यादा ही चांस होता है, ओके, वेरी प्रोन, बिकॉज स्केललेस फिश सेंसिटिव, ठीक है, एंड इनको रहना है डीप में, डीप में टेम्परेचर अलग होता है, आपके टैंक छोटे छोटे रखते हो तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा, तो फटाफट इनको व्हाइट स्पॉट्स या इक आने का चांस बहुत हाई रहता है। नाउ अगर इनको क्योर करना है, देन ऑफकोर्स आप हमारे पूजा मैडम का वीडियो देख सकते हो, डॉक्टर सुबिन का वीडियो देख सकते हो, या ऐसा कोई मेडिकेशन यूज कर सकते हो जिसमें कॉपर ना हो, फॉर एग्जाम्पल सीकेम का पैरागार्ड, वेरी लिटिल कॉपर, ओके, ईशा मेडिसिन है या जनरल क्योर है, वो सब आप ट्राई कर सकते हो। इनके लिए आइडियल एक्वेरियम टेम्परेचर इज 25 to 28 डिग्रीज, सो देर इज अ वाइड रेंज, ओके, फ्लक्चुएशन अगर हो भी तो मैनेज कर पाएंगे, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अगेन छोटा टैंक मत रखो। वाटर का पीएच 6.5 to 7.5, ओके, कम पीएच तकलीफ होगा उनको, ज्यादा पीएच भी तकलीफ होगा, 6.5 मतलब एसिडिक वाटर, थोड़ा बहुत बिटवीन न्यूट्रल एंड एसिडिक दे विल मैनेज। नाउ इनके साथ कौन से दूसरे फिश रख सकते हो आप, ठीक है, आप ऑस्कर रख सकते हो, टिन फॉइल बाब रख सकते हो, बाला शार्क रख सकते हो, सिल्वर डॉलर रख सकते हो, एंड दूसरे प्लेकोस जो आपका क्रोकोडाइल फिश या कैट फिश जो बोलते हैं सकर कैट, वो भी रख सकते हो। बट मेरा एक्सपीरियंस से, मेरा जानकारी से और इतने साल के हॉबी में जितना मैंने सीखा है, प्लीज दूसरे फिश मत रखो,
सी बिकॉज टिन फॉइल बार्ब्स और ये जो डॉलर फिश है बहुत अग्रेसिव है, दिखते नहीं है, ठीक है। डॉलर टेट्रा है, टिन फॉइल बार्ब है, दोनों अग्रेसिव हो सकते हैं। एंड बिकॉज ये स्केललेस फिश है, इसका टेल निप फिन काटेंगे और बॉडी को काटेंगे और कभी कभी आंख वगैरह मार देंगे, बिकॉज जो शार्क है उतना अग्रेसिव फिश नहीं है, सिर्फ अप एंड डाउन मूव करता है, कुछ करता नहीं है। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये जो शार्क फिश आप कहते हो, जो कैट फिश है, वो ओमनिवोरस है, उससे छोटा मछली वो उड़ा देगा, खा लेगा। अगर आपने छोटा गोल्डफिश डाला और बड़ा शार्क है तो गोल्डफिश गया। सेम थिंग विल हैपन टू एनी अदर बार्ब और एनी अदर फिश, ठीक है। काफी वीडियोस मैंने देखा है जहां पे बड़े बड़े मछली भी खा लेते हैं, ओके। ये अग्रेसिव नहीं है, इट इज जस्ट दैट वो नेचुरल हैबिट है उनका। नाउ इनका एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो शार्क फिश या कैट फिश जो है इंडियन नहीं है, बट बहुत सारे इंडियन रिवर्स में, नदी में, नाले में पाए जाते हैं। एंड वो उसका श्रेय या गलती ब्रिटिश वालों का है, वो जमाने में वो लेके आए इधर डाला ताकि पब्लिक को खाना इजी, फ्री इजी खाना मिले, और अभी भी वो फार्मिंग होता है। आप कोई भी मार्केट में चले जाओ, आपको आपका इरिडेशन शार्क मिल जाएगा, ज्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता है, एंड ओके टेस्ट, नो प्रॉब्लम। कोई भी आप फ्राई कर सकते हो या करी बना सकते हो, आपको सस्ते में मिलेगा। बट क्या होता है, जो रिवर में वो पलते हैं वहां पे हमारे इंडियन स्पीशीज को खा जाते हैं, दे विल वाइप देम आउट, ओके। कोई भी इंडियन फिश आपको मिलेगा नहीं, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप, अगर आपका शार्क बड़ा होता है तो प्लीज रिवर में मत छोड़ो, फाइंड अ प्लेस किसी के फार्म हाउस में या कोई शॉपकीपर को दे दो, यू नो, बट डू नॉट पुट इट इन आवर इंडियन रिवर्स। हमारे इंडियन जो नदी नालों में मत डालो, दे विल वाइप आउट ऑल द इंडियन स्पीशीज। तो एक लेवल पे ये फेरल स्पीशीज भी है या इन्वेजिव स्पीशीज भी है, तो दिस इज समथिंग हॉबीस्ट को बहुत रिस्पॉन्सिबल होना है। सो काफी सारे पॉइंट्स मैंने शार्क फिश के बारे में बताया, कुछ पॉइंट्स यू नो आर वेरी ट्रूथ बिकॉज ये फूड फिश है, ओके, बट हमारे हॉबी में यूज करते हैं, इट्स ओके। अगर हॉबी में है, आपके घर में है, तो आपके जिम्मेदारी है उससे अच्छा पालने का और रखने का, अच्छा खाना खिलाने का, पानी साफ रखने का। एंड प्लीज अगेन मैं बोल रहा हूं, टैंक बड़ा लो। अगर आपके पास बड़ा टैंक नहीं है तो शार्क फिश मत लो, कितना भी सस्ता रहने दो, फ्री में आने दो, छोटा फिश लो, बाब्स लो, गोल्ड फिश लो, छोटा लो, बट शार्क मत लेना। एंड दूसरा, कोई फिश पॉन्ड के लिए बना है, टैंक के लिए नहीं, तो ये बाद में डिस्कस करेंगे, एक और वीडियो बनेगा कोई फिश के बारे में, सिमिलर पॉइंट, अच्छा मजा आएगा, ओके। नाउ हमेशा की तरह मैं आशा करता हूं कि ये भी वीडियो, बहुत लोगों ने बोला था कि मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए, मैंने अपने हिसाब से, अपने जानकारी से मैंने बनाया है। मैं आशा करता हूं कि आपने कुछ सीखा, जाना, समझा, एंड यू नो एज ऑलवेज वीडियो को एंजॉय किया। नाउ मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से, आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, और भी फिश वीडियोस, और भी मेडिसिन वीडियोस, हाउ टू यूज मेडिसिन, ये वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है। जुड़े रहो, बने रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आप एंजॉय करते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय।